जब मेमेर एट्रियस की उम्र का था, उसने तब से ही ये सब शुरू किया था। एट्रियस देखता है कि उस स्पॉट के पास होते ही उसमें कुछ स्पेशल पावर्स जेनरेट होने लगती हैं, जो कि एट्रियस की बॉडी में स्पिन से एंटर होने लगती हैं। और चलने ही वाला होता है कि उसे बादलों में ज्यूस की परछाई दिखती है, जो कि उसका नाम भी पुकार रहा होता। सो हे गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ, और अगर आपको किसी गेम की स्टोरी जाननी होती है तो आप YouTube पे उसकी वीडियो देखते हो, या फिर उससे पहले आप उस गेम को एक बार खेलते जरूर हो। लेकिन फिर भी ज्यादातर केसेस में ऐसा होता ही है कि हम बहुत सारे डायलॉग्स या कहें इम्पोर्टेंट बातें भूल जाते हैं, जो मे बी कवर अप भी नहीं हो पाते। सेम गोज विद गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर 4 में ऐसी बहुत सारी डीप बातें हैं जिनको शायद हम और आप ना जान पाए हो, और अगर कोई उसकी स्टोरी एक्सप्लेन करे भी तो वो कितना डिटेल में जा सकता है। अगर बहुत डिटेल में गया भी तो वीडियो उतनी बड़ी होती जाएगी। सो अल्टीमेटली कोई इतना डीप में भी नहीं जाता है, बट नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल ने ये कर दिखाया था, और मे बी आपने उस वीडियो को देख ही लिया होगा जिसमें उन्होंने गॉड ऑफ वॉर गेम को डीपली डब किया है, यानी एक एक डायलॉग प्रॉपरली डब किए हैं, और ये वीडियो पूरे 4 घंटे की है। वेल, एक दिन में तो ये वीडियो ऑफ कोर्स नहीं देखी जा सकती, क्योंकि मूवीज ही 2 घंटे की होती हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको गॉड ऑफ वॉर के प्योर डीप नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देख लें, फिर आप गॉड ऑफ वॉर के भी भगवान हो जाओगे। आप इस वीडियो को पार्ट्स में भी देख सकते हैं, या जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वैसे भी देख सकते हैं, ये चीज आप पे डिपेंड है। बट मैं इस वीडियो में उसी वीडियोस में से कुछ बेस्ट हाइलाइट्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे हाइलाइट्स जिसके कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा आते थे। सो आपके भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको ये आइडिया मिल जाए कि वो वीडियो किस चीज पे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ऑलराइट, गॉड ऑफ वॉर में ये पजल क्या था, आइए जानते हैं। यहाँ से बढ़ने पर इन्हें एक पत्थर के कप जैसे आकार की प्रतिमा दिखती है, जिसकी दीवारों पर एक पहेली लिखी होती है जो कि इस तरह से है कि हम जो भी हैं, 2 हैं या 3 हैं, मैं अकेली वो कभी नहीं बन सकती। पहेली का जवाब ढूंढने के लिए एक घूमते हुए रिंग के पास इन्हें जाना होता है, जहाँ हैंडल को घुमाने से र्यून बन जाता है। फ्रेंड्स, र्यून को एक इमेज भी कह सकते हैं। र्यून में पहेली का जवाब परिवार लिखा होता है। यहाँ क्रेटोस के कहने पर एक्ट्रेस पहेली को अपने चाकू की मदद से रेत पर लिखता है, जिससे कि सामने का र्यून वाला गोल दरवाजा खुल जाता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। ओडिन का वो मैसेज, उसमें क्या लिखा था, लेट्स फाइंड आउट। फ्रेंड्स, नॉर ने नॉर्स माइथोलॉजी में भाग्य की 3 देवियों को कहा जाता है, जिनके बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आगे निकलने पर इन्हें एक पत्थर पर ओडिन के लिए एक प्रेयर लिखी हुई मिलती है, जो कि इस तरह से है कि हे देवों के देव ओडिन, तुम हमारे राज्यों की सुरक्षा के लिए अपने गार्ड्स भेजो, और अपने बेटों थॉर और बाल्डोर को भी हमारी मदद के लिए भेजो। क्रेटोस एंड फ्रेया के बीच में कुछ डीप बातें, और फ्रेया का एक्सप्लेन करना उस डार्क फॉग को। अभी पर्वतों के बेस पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें कुछ दूरी पर एकदम काला धुआं मिलता है। इस धुएं को देखकर एक्ट्रेस विश करता है कि काश वो जादूगरनी यहां होती तो हमें रास्ता जरूर पार करवा देती। इतने में ही पीछे से फ्रेया की आवाज आती है, जो बताती है कि उसका जादू काले धुएं में काम नहीं करता। फ्रेया इन लोगों से अपने यहाँ आने का कारण ये बताती है कि वो इन लोगों की यात्रा को सुगम बनाना चाहती थी। वो क्रेटोस को बताती है कि केवल अल्फीन की प्योर लाइट्स ही इतनी ताकतवर है जो कि इस धुएं को चीर सके, पर वो रास्ता बहुत लंबा है। क्रेटोस फ्रेया पर संदेह करता है, और मदद देने का कारण पूछने पर फ्रेया इसे बताती है कि शायद क्रेटोस में वो खुद को देखती है, शायद अपने द्वारा किए गए गुनाहों की माफी के लिए वो इनकी मदद करना चाहती है, शायद वो एक्ट्रेस को पसंद करती है इसलिए इन्हें पर्वत का रास्ता बताना चाहती है। फ्रेया थोड़ी देर के लिए इनके साथ पूरे रियल्म में जाने की बात कहती है, जो कि इनके खुद के राज्य के पार था। दूसरी ओर से इन्हें ले जाते हुए अपने जादू से ग्रफा कहकर सीढ़ियों का रास्ता साफ करते हुए फ्रेया इनकी मदद करती है। फ्रेया ड्रॉफ के बारे में क्या सोचती है? यह एक्ट्रेस द्वारा सिंड्री का जिक्र करने पर क्रेटोस फ्रेया को पहाड़ियों से मिले बौनों के बारे में बताता है,
जो कि क्रेटोस को बहुत ही इरिटेटिंग लगे थे। फ्रेया के अनुसार बौने संसाधनों से परिपूर्ण होते हैं। फ्रेया के कहने पर क्रेटोस एक हैंडल को सर्कुलर पाथ पर घुमाता है। क्रेटोस का ज्यूस से मिलना और मीमेर और क्रेटोस के बीच हुई कुछ डीप बातें और चलने ही वाला होता है कि उसे बादलों में ज्यूस की परछाई दिखती है जो कि उसका नाम भी पुकार रहा होता है। क्रेटोस को मीमेर को बताना पड़ता है कि ज्यूस उसका फादर था, जिससे मीमेर बहुत भुचक्का हो बहुत कुछ समझ जाता है। उस जगह के बारे में क्रेटोस द्वारा पूछने पर मीमेर इसे कभी वहां न जाने की हिदायत देता है, क्योंकि वहां जाकर वापस आना बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्रेटोस भी ज्यूस की प्रेजेंस से हैरान है, परंतु मीमेर से ये सब भ्रम होने की आशंका बताकर कहता है कि हेल अपने निवासियों को उनके पास्ट से टॉर्चर किए जाने के लिए प्रसिद्ध है। क्रेटोस एंड एट्रिस के बीच हुए कुछ जानने वाले एंड डीप बातें जो जानना बहुत जरूरी है, बट फिर भी क्रेटोस आगे बढ़ने का फैसला ले नीचे उतर कर एक अजीब धुआं और किरणों के गोले के पास पहुँचता है और एट्रिस के हाथ में एक चाकू थमाते हुए बताता है कि जिस दिन तुम जन्मे थे उस दिन मैंने अपनी लैंड और इस लैंड की धातुओं को मिलाकर दो चाकू बनाए थे, इनमें से एक मेरे लिए और दूसरा उस दिन के लिए जब तुम तैयार हो जाओ। तो आज वही दिन है, जिससे एट्रियस को लगता है कि वो भी अपने फादर की तरह एक पुरुष बन गया है। बट क्रेटोस उसका भ्रम दूर करते हुए बताता है कि ये लोग पुरुष नहीं बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा है, इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं जिसके लिए एक्ट्रेस को दिन ब दिन और बेहतर होते रहना होगा। एक्ट्रेस पिता की महत्वाकांक्षाओं पर खरे उतरने का वादा करते हुए क्रेटोस की हर बात ध्यान से सुनता है। क्रेटोस एक्ट्रेस को ये भी बताता है कि हर किसी वेपन में पावर पर्सन के हार्ट अर्थात दिल से आती है, पर तभी जब पर्सन के दिमाग में किसी चीज़ की लालसा हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फ कंट्रोल हो, यही चीज़ें हैं जहाँ से एक योद्धा की वास्तविक ताकत का पता चलता है। हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं है। अब दोनों स्मोक क्लाउड के करीब आते हैं और एट्रियस स्मोक क्लाउड के ब्लैक हेड पर ग्रीफ ऑफ बोलते हुए फादर के बनाए नाइफ से वार करता है, जिससे स्मोक क्लाउड का एंड हो जाता है और ब्लैक हेड दूर जाते हुए एक पॉट छोड़ देता है, जिसे क्रेटोस एम्प्टी देखते हुए एट्रियस को पास कर देता है। बट एट्रियस देखता है कि उस पॉट के पास होते ही उसमें कुछ स्पेशल पावर्स जेनरेट होने लगती हैं, जो कि एट्रियस की बॉडी में स्पिन से एंटर होने लगती हैं और वो पॉट पीसेस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मीमेर के कुछ अनसुनी कहानियां, मीमेर के कुछ बचपन के किस्से। दोस्तों, मीमेर अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है कि उसका फर्स्ट मास्टर भी एक क्रूअल पीस ऑफ वर्क था, बट इसने उससे भी इच्छा शक्ति की एंडलेस पावर सीखी, जिससे इसको किंग्स एंड गॉड्स को एक साथ ट्रीट करने में बहुत हेल्प मिली। जब मीमेर एट्रियस की उम्र का था, उसने तब से ही ये सब शुरू किया था। रात के समय मीमेर और उसके साथी जंगल में भाग जाते थे, जहां ये सभी दोस्त बहुत मस्तियां करते थे, शरारतें करते थे और बहुत सी शिक्षाओं और मॉरल्स का मजाक उड़ाते थे। जब तक इनका मालिक हंसता रहता था, ये भी अपनी गलतियों के दुष्प्रभावों से बचे रहते थे। पर एक दिन मालिक हंसा नहीं और इसे आगे बढ़ने का रास्ता ही बेहतर लगा। बहुत उम्र और सड़कें छानी, जिससे ये हंसते खेलते भटकने से एक परफेक्ट और आइडियल पर्सन बना। सो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको गॉड ऑफ वॉर की एक एक नॉलेज डीप में चाहिए तो आप उस 4 घंटे की वीडियो को चेक करें, ताकि आप गॉड ऑफ वॉर के भी भगवान बन जाएं। लोल। और आपको वो वीडियो आई बटन, एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन तीनों में मिल जाएंगे। सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।